फाइल के एक्सेस मोड क्या क्या है? एक्सेस मोड मतलब यह है कि जैसे मैंने कहा डिफॉल्ट मोड है आपका रीड, जब आप फाइल को ओपन करेंगे तो रीडिंग के लिए ओपन होगी। तो इसी तरीके से रीड है, राइट है, आर प्लस है, डब्ल्यू प्लस है, ए प्लस है, मैं बताता हूं एक एक करके। आर सबसे पहला मोड है, आर ये फाइल को ओपन करेगा केवल रीड के लिए, ओनली फॉर रीड। ओके, आरबी ये आरबी किसके लिए, ये बाइनरी के लिए, मतलब सेम काम है, ओपन करेगा रीड के लिए लेकिन बाइनरी फाइल, बाइनरी फॉर्मेट फाइल होगा इसमें। टेक्स्ट फाइल के लिए आर, बाइनरी के लिए आरबी, ये डिफॉल्ट मोड भी है, अगर आप कुछ नहीं देंगे तो अपने आप वो रीडिंग के लिए फाइल ओपन होगी। जो फाइल पॉइंटर है वो क्या होगा, वो दिस इज प्लेस एट द बिगनिंग फॉर रीडिंग पर्पस, यानी जैसे फाइल ये है आपकी तो ये बिगनिंग में आ जाएगा फाइल पॉइंटर, जब भी हम फाइल ओपन करेंगे तो ये बिगनिंग में पॉइंट करेगा। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू फाइल ये टेक्स्ट फाइल को ओपन करेगा राइटिंग के लिए, इसमें आप लिख सकते हैं। ऐसे अगर आपके पास बाइनरी फाइल है तो डब्ल्यू भी आप यूज करेंगे ताकि आप बाइनरी में लिख सके। फिर इसमें भी ऐसे होता है कि जो फाइल पॉइंटर है वो क्या करेगा, जो फाइल ऑब्जेक्ट आपने पॉइंटर बनाया है वो शुरुआत को पॉइंट करेगा। अगर कोई फाइल नहीं है और आप ये वाला मोड यूज करते हैं तो वो फाइल पहले क्रिएट होगी, अपने आप बनेगी, फिर वो आपका काम शुरू होगा। अगर बाय चांस एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है जिसमें डेटा है तो ये फाइल ओवरराइट हो जाएगी, क्योंकि जो फाइल पॉइंटर है वो बिगिनिंग में, ध्यान रखिएगा, ये ओवरराइट हो जाएगी। ए, ए से क्या होता है, अपेंड होता है, तो ए मोड जो होता है, अगर आप इस जो अभी फाइल पॉइंटर आपने बनाया, ओपन फंक्शन यूज किया, इस तरीके से यूज करते हैं, तो यहां पर आप फाइल नेम देते हैं, fn कर देता हूं, यहां पर मोड होता है, यहां पर बफर होता है। तो ये जो मोड है इसमें अगर आप ए देते हैं तो ए से क्या होगा, अपेंड होगा, यानी कि आपके पास फाइल ऑलरेडी बनी है उसमें चीजें जुड़ेंगी, मतलब इतना लिखा हुआ है तो और जुड़ेंगी, इसके आगे जुड़ेंगी। ऐसे अगर आप ए बी करेंगे तो ये बाइनरी फाइल के लिए है, ए बी लिख देंगे तो बाइनरी फाइल के लिए होगा। तो जब जितना कंटेंट लिखा हुआ उसके बाद जोड़ेगा ये। इसमें भी फाइल पॉइंटर क्या होगा, ये आखिर में, अब यहां पर देखिए ए में ना फाइल पॉइंटर आखिर में पॉइंट करेगा जहां तक चीजें भरी हुई है, क्योंकि उसके बाद ही तो लिखना है, अपेंड में तो उसके बाद ही होना है। तो ए आप यूज कर सकते हैं फाइल को क्रिएट करने के, अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है और आप ए करते हैं तो पहले फाइल एग्जिस्ट होगी और उसमें स्टार्टिंग से अपेंड होना, मतलब अपेंड का मतलब स्टार्टिंग से लिखना शुरू हो जाएगा। आर प्लस क्या करता है, ये एक टेक्स्ट फाइल ओपन करेगा, आर बी प्लस आपका बाइनरी फाइल ओपन करेगा। अब ये रीड और राइट दोनों के लिए करेगा, राइट, और फाइल पॉइंटर में एकदम बिगनिंग में होगा जो भी फाइल आपने ओपन की है, आर प्लस या आर बी प्लस मोड में। डब्ल्यू प्लस क्या है, ये डब्ल्यू प्लस आपकी फाइल को ओपन करेगा, टेक्स्ट फॉर्मेट हो पहले फाइल ओपन करेगा, डब्ल्यू पी प्लस आपकी बाइनरी को करेगा राइटिंग और रीडिंग दोनों के लिए, राइटिंग और रीडिंग दोनों के लिए। अब फाइल पॉइंटर क्या होगा, फाइल पॉइंटर यहां पर स्टार्टिंग में होगा राइटिंग के लिए, ये ध्यान रखिएगा कि एग्जिस्टिंग फाइल आपकी ओवरराइट हो जाएगी, इसमें नई फाइल भी बन जाएगी अगर आपके पास कोई फाइल नहीं होगी, ये फाइल नाम जो दे रहे हैं वो अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो अपने आप बन जाएगी। ए प्लस, ए प्लस क्या करेगा, ये एक टेक्स्ट फाइल को ओपन करेगा, ए बी प्लस बाइनरी को ओपन करेगा, इसमें अपेंडिंग और रीडिंग के लिए, रीड कर सकते हो साथ में जितना कॉन्टेंट लिखा हुआ है उसके बाद अपेंड करना है आपको। फाइल पॉइंटर क्या होगा, जहां से अपेंड करना है, जहां तक फाइल का एंड है वहां पर पॉइंट करेगा, इससे भी जो एग्जिस्टेंट फाइल नहीं है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं।